हेलो गाइस, माय नेम इज ओम प्रकाश वैष्णव, हेल्थ एंड मोटिवेशनल कोच। आज हम बहुत ही अच्छी टॉपिक में बात करेंगे, जो टॉपिक है इलनेस पीएस वेलनेस। इलनेस और वेलनेस में क्या फर्क है, ये दोनों जगह में होती क्या है और हम इन दोनों जगह का फायदा कैसे ले सकते हैं। आज का टॉपिक बेहतरीन है। देखिए, आप कहीं भी रहकर अच्छे से अपना पैसा भी बचा सकते हैं अगर मेरी एक एक बात को आप नोटिस कर लिए तो। देखिए, इलनेस इंडस्ट्री होता क्या है, जब हम अपने गलत तरीका से जो सुबह से लेकर शाम तक का हैबिट होता है, खान पान सोने से लेकर सुबह से लेकर जो भी रूटीन होता है, जिसमें हम कोई ऐसे चीज से ग्रसित हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो हमको इलनेस क्षेत्र जाना पड़ता है। इलनेस मिस होता है हॉस्पिटल, जो डॉक्टर आपका इलाज के दौरान करते हैं। बहुत सारे जगह में आप क्लिनिक में जाएंगे, इलाज हो जाएगा आपका, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस आती है जिसमें आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। हॉस्पिटलाइज में आपकी लाखों रुपए का खर्चा हो जाती है, जैसे कि कोई से भी ऑपरेशन वाली केस आ गई या ऐसा कोई है। देखिए, ये सब चीज़ तो चलता ही रहेगा क्योंकि ये हम लोगों की ही देन है, तो ये इसको कोई नहीं रोक सकता। इलनेस इंडस्ट्री को कोई नहीं रोक सकता। हॉस्पिटलाइज में हम होने के बाद में जो भी पैसा देते हैं, और बहुत सारे जगह तो ऐसा भी होती है कि इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो कर्जा करके उस चीज को, मतलब उस चीज का उपाय करता है, जैसे तैसे करके इलाज वगैरह करवाते हैं, जिसमें बहुत सारे बीमारियां हैं, जिसमें हार्ट की पेशेंट है, ठीक है, पेट से संबंधित बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं, किडनी लिवर का समस्या है, सर का समस्या है, एक्सीडेंटल केस है और अन्य समस्याएं हैं जहां पर आपको इलनेस क्षेत्र का उपयोग करना पड़ेगा। ये हो गई इलनेस क्षेत्र। और मैं जो बात कर रहा हूं उसमें है, एक है वेलनेस क्षेत्र। वेलनेस क्षेत्र में होता क्या है कि वेलनेस क्षेत्र को अगर हम अपनाते हैं तो हम बीमार होने से बच भी सकते हैं। किस तरह, जिस तरह की हैबिट हम रख के इलनेस क्षेत्र में जा रहे हैं, उसी प्रकार एक नया हैबिट बना के हम वेलनेस इंडस्ट्री चॉइस करके हम आने वाले समय तक बेहतरीन तरीके से स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेलनेस इंडस्ट्री होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो मशीनरी लगी हुई है, खाना पचाने का, ठीक है, ब्लड सप्लाई करने का, ऑर्गन्स को, शरीर को बेहतरीन तरीके से मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम बरकरार रखने का, किडनी लिवर, ये सब ऑर्गन्स पार्ट मशीनरी हमारे बॉडी में है। वेलनेस इंडस्ट्री हम अगर हम चॉइस करते हैं और अपनी हैबिट को चेंज करते हैं तो हम अपना पैसा भी बचा सकेंगे जो वेलनेस इंडस्ट्री में जाने वाला है, प्लस हम अपने बॉडी को और ज़्यादा बीमार होने से भी बचा सकते हैं। एक टॉपिक और लूँगा, इलनेस इंडस्ट्री में इलाज के दौरान जो भी मेडिसिन वगैरह चलती है, ठीक है, लंबे समय से भी चलते हैं, कई लोग बीपी शुगर थायराइड का लंबे समय से मेडिसिन वगैरह लेते रहते हैं, लेकिन उसकी सॉल्यूशन उनको नहीं मिलती है, इलाज परमानेंट नहीं मिलता है, और उस मेडिसिन के दौरान उनके बॉडी में अन्य समस्याएं आती है, ठीक है। लेकिन यही टॉपिक को अगर हम वेलनेस इंडस्ट्री में लेकर जाते हैं तो होता क्या है, सुबह से लेकर शाम तक एक बेहतरीन हैबिट बना लेंगे, जैसे कि किस तरह हम उठकर एक्सरसाइज करेंगे,
गुनगुना पानी कितना पियेंगे, सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट क्या खाएंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद में 2-2.5 घंटे के बाद भूख लगता है तो हम क्या करेंगे, लंच में क्या खाना है, ठीक है, शाम को 4 बजे ऐसा क्या चीज़ लेना है जो हमारे बॉडी को अनहेल्दी ना करे, रात की रूटीन कैसे बनाना है, हैवी खाना खाना है कि नॉर्मल खाना खाना है। ये अगर आप एक बेहतरीन हैबिट बनाकर चलते हैं तो आपको क्या मिलेगा कि एक बेहतरीन बॉडी की फिटनेस मिलेगी। और इसी क्षेत्र को बोलते हैं, ये तरीका जो अपनाता है उसी एरिया को बोलते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री में कुछ मार्केट में एक बेहतरीन कुछ कुछ प्रोडक्ट भी हैं जो प्रोटीन होती है जो हमारे नॉर्मल खाना से नहीं मिलती है, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ओमेगा 369, फाइबर, ये चीज़ें जो वेलनेस इंडस्ट्री के दौरान मिलती है, क्षेत्र से मिलती है। तो वहाँ कुछ कुछ ऐसे मार्केट में बेहतरीन कंपनियाँ हैं, ठीक है, तो वहाँ का प्रोडक्ट भी आप उपयोग कर सकते हैं वेलनेस इंडस्ट्री के दौरान। और ये आपका नेचुरल खाना है, ये कोई दवाई नहीं है। इसकी अगर आप लंबे समय तक भी हैबिट बनाते हैं तो आपके बॉडी को वैसा नुकसान नहीं होगा जो वेलनेस इंडस्ट्री में जो मेडिसिन खाने से होता है। उसमें कुछ वेलनेस इंडस्ट्री में कुछ आयुर्वेद भी आएंगे, ठीक है, आयुर्वेद में कुछ कुछ ऐसे विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स भरपूर मात्रा में आपको मिलने वाली कुछ प्रोडक्ट ही मिल जाएंगी जिसको आप उपयोग करके लंबे समय से स्वस्थ रह सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जिस तरह अपने गाड़ी को मोबिल पेट्रोल की मेंटेनेंस करते हैं उसी तरह अपने बॉडी को वेलनेस इंडस्ट्री की जो न्यूट्रिकल प्रोडक्ट है इससे अगर आप उपयोग करते हैं अपने बॉडी में, इसको अपना कर अगर आप अपने बॉडी को देते हैं तो आप एक बेहतरीन तरीका से अपना बॉडी फिटनेस बना सकते हैं। तो आपको समझ आ ही गई होगी कि वेलनेस इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री में क्या होता है। वेलनेस इंडस्ट्री आपको एक समय के बाद में और भी ज़्यादा बीमार भी कर देता है, हार्ट की समस्या को बढ़ा देता है, बीपी शुगर की समस्या को बढ़ा देता है, शुगर की समस्याओं को बढ़ा सकता है और अन्य समस्याएं जितने भी बॉडी में हैं, तो ये सब चीज़ वेलनेस इंडस्ट्री में आएगा, ठीक है। और वेलनेस इंडस्ट्री में हमारे खान पान में बदलाव सुबह से लेकर शाम तक रूटीन, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको आप अपना कर बेहतरीन तरीके से इंजॉयमेंट कर सकते हैं, हर तरीके से हैबिट इंजॉयमेंट वगैरह सब कर सकते हैं और इसके बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हैं। अगर इसी टॉपिक में बात करते रहेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, तो आज का सेशन हम यहीं तक समाप्त करते हैं। और वेलनेस इंडस्ट्री और इलनेस इंडस्ट्री के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी रहेगा और आपका कमेंट आएगा तो मैं और भी इसमें अच्छे से टॉपिक बनाकर और भी अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा और इलनेस इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री के बेहतरीन और अलग से वीडियो भी बना दूंगा। तो आज का सेशन यहीं तक, थैंक यू सो मच, हैव योर नेक्स्ट डे।